गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ज्योग्राफी की क्लास में। तो गाइस, आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में वो सेशन में हमने कंप्लीट किया था, वो सेशन था कि जिसमें हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर पूरा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था इंडिया के। आज उसी पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, इन दो चीज़ों को ब्रेक किया था। इन दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो इस दो चीजों पर हम लोग को लेकर क्या करना है, डिस्कशन करना है और आगे के सेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए पहले तो एक मैप बना लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कर्क रेखा और जो विषुवत रेखा वाला जो मामला था वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए। और हाँ, इंडियन ज्योग्राफी का जैसे ही वाला पोर्शन कंप्लीट होगा ना, मैं इसका टेस्ट करा लूंगा। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें कोई लापरवाही ना हो, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसका जो टेस्ट वाला जो काम हो वो मैं टेस्ट आपको पहले करा दूं इसका, ताकि कोई भी दिक्कत आपके यहाँ से नहीं आएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैप में बना दूं अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा हर एक पॉइंट। ठीक है, चल ये हमारा अपना मैप हो गया। चल ठीक है, मैप थोड़ा समय जल्दीबाजी में से बना है, लेकिन ठीक बना है, जैसे भी ठीक है। ठीक है, हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से, इन दोनों चीजों को हम लोग को तैयार करना होगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, दो चीजों को तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेते हैं कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा के बारे में। यहाँ देख रहे हैं आप लोगों, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कैंसर लाइन। ठीक है, कैंसर लाइन। अब कैंसर लाइन का मतलब क्या था? कर्क रेखा था। क्या था गाइस? कर्क रेखा के बारे में हम लोगों ने आपसे चर्चा किया था। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होगा उसी को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और उसी को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। कैंसर लाइन को लेकर हम लोग समझेंगे। अब कैंसर लाइन कहाँ से ड्रॉ कर रहा था गाइस, तो वो मैंने आपको बहुत वक्त भी समझाया था। कैंसर लाइन यहाँ से हमारा ऐसे ड्रॉ कर रहा था, यही हमारा क्या था, कैंसर लाइन था। और इसको हम लोगों ने कितने अंश से रिप्रेजेंट किया था? 23.5 अंश से हम लोगों ने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कर्क रेखा का कर्क रेखा कह रहे थे। ठीक है, कर्क लाइन कह रहे थे। कितने राज्यों से होकर जाता है यह मैंने आपको डिस्कशन में बता रखा था, कितने राज्यों से होकर जाता है, क्या क्या चीजें हैं, एक बार यहाँ पर फिर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और हमने ये चीज भी आपसे इसमें डिस्कशन किया था कि कर्क रेखा में दो पॉइंट से हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन कर लिया था, कितने राज्य से होकर जाता है, ये 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया था। और उसके फॉर्मेशन को भी मैंने अच्छे से बता दिया था, कौन कौन से जाते हैं। भैया यहाँ पर मैंने आपको गुजरात दिखा दिया था, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर आपका एमपी हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड, ये आपका बंगाल हो जाएगा, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे राज्य होते हैं जो यहाँ से कर्क रेखा से होकर, मतलब कर्क रेखा इन राज्यों से होकर क्या करता है, गुजरता है, ये बात याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम्स में आएगा जब आपको सीक्वेंस याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट का भी सीक्वेंस आप एग्जाम में क्या कर लेता है, पूछ लेता है कि आप वेस्ट टू ईस्ट का बता दो या ईस्ट को ईस्ट टू वेस्ट का क्रम जरूर याद रखिएगा। तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे क्रम पूछ लेता है। तो ये चीजें यहाँ पर इतनी याद रखिएगा कि कर्क रेखा इन राज्यों से होकर जाती है। अच्छा, तो इतनी चीजें तो याद हो गई, लेकिन कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सभी बना नहीं है, कर्क रेखा से क्या क्या क्वेश्चन बनता है गाइस। पहला क्वेश्चन बनता है कितने राज्य से होकर जाता है, जो मैंने आपको डिफाइन करा दिया था पिछले ही क्लास में। और एक इंपॉर्टेंट की वो कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में लगभग विभाजित कर दी है। ठीक है, जैसे रात को क्लास ले रहा हूँ, जमा आ रही है। तो कर्क रेखा है जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करने का काम करती है। ये भी पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझा दिया था। लेकिन इसमें से अगर एक पॉइंट नया बनकर आए कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की यहाँ पर अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है गाइस, इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है, इसकी सर्वाधिक लंबाई अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो गाइस हमेशा याद रखिएगा इसकी सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, एमपी में है।
एमपी में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई देखने को मिलती है, वहीं पर इसकी सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माही नदी एक है, क्या है, एक है माही नदी, ठीक है, कौन सी नदी है गाइस, माही नदी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिएगा कि यह नदी जो है, ठीक है, लिख लेंगे यह नदी कर्क रेखा को, यह नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को, बहुत ध्यान समझिए, कर्क रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है, दो बार काटती है, यह पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब वो कहां पर है माही नदी, तो गाइस यहां से यह नदी निकलती है और इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से काटते हुए ये यहां चली जाती है और इसी नदी का नाम कहलाता है माही नदी। क्या कहलाता है गाइस, इस नदी का नाम क्या कहलाता है, माही नदी। ये हो गई आपकी माही नदी हो गई। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और नया आपको मिल गया कि वो कौन सी नदी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि विश्व स्तर पर की विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, ठीक उसी प्रकार से भारत में जो है माही नदी जो है हमारे कर्क रेखा को दो बार काटने का काम करती है। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल सा फंडा हो गया कि ये तो नॉर्मल हो गया कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, लेकिन जो यहाँ पर दो बार लिखा गया ये आपके लिए नया होगा, ये न्यू बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन पीसीएस जेई में इस तरह का प्रश्न एक बार बन चुका है कि जो दो बार का सेंस है वो दो बार ये जो है नदी कहाँ पर काटती है, किस स्थान पर कर्क रेखा को दो बार काटती है या किस राज्य पर, तो याद रखिएगा एक जो काटती है ये मध्य प्रदेश में काटती है, पहली बार ये कहाँ काटती है, एक मध्य प्रदेश में काटती है, और दूसरी बार ये नदी कहाँ काटती है, तो राजस्थान में काटती है। ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, सो गाइस इनको जरूर नोट कर लेना। देखो कितनी अच्छी अच्छी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहली बार कहाँ काटती है, फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में, और सेकेंड टाइम ये कहाँ पर नदी काटती है, तो राजस्थान में, तो ये हो जाएगा सेकेंड टाइम कहाँ काटती है, राजस्थान में काटती है, कौन सी नदी, माही नदी काटती है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, एमपी में, ठीक है। चलो दूसरी बात याद रख लेते हैं कि दरअसल यहाँ पर झारखंड है, ठीक है, और झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची होती है, क्या होती है, झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची होती है, पहली बात याद रखिएगा, ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची होती है, जो इस कर्क रेखा के निकटतम सबसे पहला शहर है, ठीक है। अगर कभी भी पूछा जाए कि कर्क रेखा के निकटतम सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तो रांची है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैं आपको कराऊंगा। एक प्रश्न तो ऐसे भी बनता है कि जैसे मान लीजिए कर्क रेखा है, तो जैसे कर्क रेखा है तो यहाँ पर जबलपुर दे दिया, यहाँ पर गांधीनगर दे दिया, यहाँ अहमदाबाद दे दिया, यहाँ कोलकाता दे दिया, ये कलकत्ता हो गया, ये जे से जबलपुर हो गया, ये जी से गांधीनगर हो गया, और ए से अहमदाबाद हो गया, सिर्फ रांची को छोड़ दिया जाए तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित शहर कौन सा है या सबसे निकटतम शहर कौन सा है। तो अब ये वाला पोर्शन आपको कैसे तैयार होगा कि सर मान लीजिए कि हम तो रांची जाने जाते हैं या ये सब जानते हैं, लेकिन अगर अन्यथा और कोई अगर शहर दे देता है और फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो सर कैसे करेंगे, उसका एक ही अच्छा तरीका है कि आपको मैपिंग आनी चाहिए। आपको मैप पर ऑक्सफोर्ड जो आपकी मैप होगी उस ऑक्सफोर्ड पर देखिएगा तो आपको जो सबसे चर्चित शहर होंगे जैसे उज्जैन हो गया, ठीक है, उज्जैन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, कच्छ हो गया, तो इस तरह के शहरों को देख लीजिएगा कि कर्क रेखा के ऊपर आते हैं नीचे आते हैं उनकी क्या निकटता, ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो ये रांची वाला पोर्शन हम लिख लेते हैं, रांची सबसे निकटतम स्थित शहर हो जाएगा। तो यहाँ एक हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर करके रांची, बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चंस कई बार यहाँ पर आया है तो यहाँ लिख लेंगे रांची, लिख लेंगे, ठीक है, रांची, तो लिख लो सबसे स्थित, सबसे निकटतम स्थित शहर, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे सबसे निकटतम, सबसे निकटतम स्थित शहर, सबसे निकटतम स्थित शहर अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा गाइस, रांची हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रांची हो जाएगा, डाउट एकदम क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन यहां तक नहीं है ना। चल तो ये कर्क रेखा के कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको नोट करना हो गाइस। उस दिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि जो भी मैंने आपको मैप पर यहाँ पर दर्शाना शुरू किया था
उसको मैं इस पर क्या करूंगा, दर्शा दूंगा, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, चलिए। तो यहां से मैंने उस यहां से वो रेखा को दर्शाया था, ये रेखा मैं यहां दर्शा देता हूं, ये वाली लाइन मैंने यहां ड्रॉ की थी ये ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की थी ये ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की थी ये ड्रॉ कर देता हूं, और ये वाली लाइन जो मैंने की थी इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, और सारे मैटर आप लिख लेना। यहां पर जो था ये वाली जो लाइन थी वो कितनी थी, 6 डिग्री 4 मिनट था, ये कौन सी लाइन थी, 8 डिग्री 4 मिनट ये लाइन था। ठीक है, ये कौन सा गाइस था, ये था 37 अंश 6 मिनट, ये मैप पर रिप्रेजेंट करा दे रहा हूं। यहां पर जो था वो कौन सा था गाइस, तो वो था 68 अंश 7 मिनट था, और यहां पर जो था वो कौन सा था, 97 अंश 25 मिनट था, ये वाला पोर्शन था। इतने चीजों को मैंने करा दिया था, इसको मैप पर ऐसे ही लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। गाइस यहां पर जो था ये कौन सी जगह थी हमारी, तो गाइस ये हमारा ग्रेट निकोबार था, तो यहां पर प्यार से लिख लेना ऐसे करके, ग्रेट निकोबार कर लेना, मैप पर इंडिया के मैप पर जरूर बना देना। ठीक है, और बाकी जितने भी स्टेटमेंट है आप नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कौन सा जगह था, गाइस कन्याकुमारी था, तो यहां लिख लेते हो कन्याकुमारी, आप लिख लेना। ठीक है, सारी चीज मैं करा दे रहा हूं ताकि कोई चीज छूटेगा, कन्याकुमारी हो गया। यहां पर गाइस कौन सा था, यहां पर था हमारा सरक्रिक था, ये बताता गाइस एक ही नाम लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, सरक्रिक हो गया था। सरक्रिक के बाद यहां पर कौन सा नाम था गाइस, वलांगू लिख लो, वलांगू, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये वलांगू हो गया। और यहां पर गाइस कौन सा था, ये था इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल था। ये सारी की सारी चीजें आपकी जो बाकी थी वो मैंने उस दिन वाली बाकी थी वो मैंने आज आपको करा रखी है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अब अगला जो हेडिंग डाल लो वो हो जाएगा आईएसटी हो जाएगा। आईएसटी का मतलब क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन, सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इसको बहुत डिटेल तरीके से और बहुत अच्छे से समझेंगे, जो पूर्वोत्तर भारत के जो विवाद हैं उसको भी लेकर थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो हमने आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आपको क्या रिप्रेजेंट कराया था। सबसे पहली बात कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं, इसको कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, बहुत ध्यान से समझिए कि पॉइंट समय रेखा, ये चीजें मैंने, ये तो हिंदी में हो गया भाई, इसकी कोई तो बात है नहीं। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, सबसे पहली बात अगर हम लोग जानेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कितने अंश पर निर्धारित किया गया है, यही मुद्दा हमारा आपका बनता है कि कितने अंश पर निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसको अच्छे से बना लेते हैं ताकि हमारा मैप जो है वो गड़बड़ ना हो पाए, अच्छा सा क्लियर रहे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से हम लोग को क्लियर करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, निकाल दो चीजें, उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये वाला पोर्शन ऐसे क्लियर होगा, रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लो, मैप प्रोसेस सही से ड्रॉ करा लो ताकि मुझे जो मैप पे जो मुझे चाहिए लोकेशन वो लोकेशन मिल जाए बहुत अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो मुझे आसानी से पढ़ाने में, क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और यहीं से एक लाइन हमारी जाती है बिल्कुल इस तरीके से होकर, हमारी एक लाइन यहाँ से ऐसे होकर जाती है, ये वाली लाइन होकर जाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टिक करेंगे, हटाएंगे इन चीजों को ताकि समझा सके अच्छे से आप। ठीक है, और ये वाली हमारी पूरी लाइन ऐसे हो गई, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा मैप डिजिटल वाला, थोड़ा सा मैप गड़बड़ बना है, इस वजह से लाइन जो है वो सेट नहीं हो पा रहा, पर आप लोग क्लियर रखिएगा माइंड में। यहाँ पर होता है हमारा क्या, यहाँ पर हो जाता है एमपी होता है, और ये हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर ये हमारा हो जाएगा झारखंड, फिर ये हमारा हो जाएगा बंगाल, फिर बीच में बांग्लादेश, और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, रांची वाला पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इसको ड्रॉबैक दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी परफेक्ट लाइन खींची गई है। तो
अभी ये जो लाइन थी, ये लाइन क्या है? इस लाइन को कहा जाता है 82.5 अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 82.5 अंश कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्या है? 82.5 अंश पर निर्धारित किया गया है और इसी को कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लेंगे कि इसका जो निर्धारण किया गया, आईएसटी का जो निर्धारण किया गया है, सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा, इसका निर्धारण जो किया गया है वो निर्धारण कितने अंश पर किया गया है। तो सिंपल सी भाषा में कहते हैं ना भाई, इसका निर्धारण जो है 82.5 अंश पर किया गया है। कितने अंश पर किया गया है? 82.5 अंश पर किया गया है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन बने राज्य देखा जाए, कितने राज्य से होकर जाता है? तो अगर राज्य देखोगे तो ये 5 राज्य से होकर जाता है। कितने राज्य से होकर जाता है? ये 5 राज्य से होकर जाता है। सिंपल सी बात है, भारतीय मानक समय रेखा। अब कौन कौन से राज्य हैं, चलो डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा यूपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। यूपी के बाद एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो कौन कौन से राज्य से होकर जाता है। हमारा ये जो होकर जाता है यूपी से होकर जाता है, एमपी से होकर जाता है, छत्तीसगढ़ से होकर जाता है, उड़ीसा से होकर जाता है और आंध्र प्रदेश से, इन 5 राज्यों से भी होकर हमारी यह रेखा जाती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, मैंने लिखवा भी दिया था, शायद याद होगा आप लोगों को, और यहाँ भी लिख लीजिए। ये यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इतने राज्यों से होकर हमारी कौन सी रेखा जाती है? भारतीय मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम जाती है। गाइस अब सबसे पहला पॉइंट यहां पर बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखा ही क्या करता है, टाइम जोन का निर्धारण करता है या समय का निर्धारण करने का काम करता है। बहुत स्मूथली, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। एक सेकंड देखें, ये चार्ज नहीं हो रहा है क्या कैमरा वाला? कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एक सेकंड होल्ड कर लेना आप लोग। चलो ठीक है, तो हमने ये चीज आपको इतना यहां तक बता दिया था। अब मेन बात यहां सुन लो, पहले इसके बेसिक चीजों को जान लेते हैं, फिर पूरा ये समझेंगे कि विवाद वाला मामला क्या था। चलो अब देखो हुआ क्या था कि ये भारतीय मानक समय रेखा तो भूगोल के, भूगोल वेताओं के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा यह लाइन तो ड्रॉ कर दिया गया, ठीक। यह लाइन क्या कर दिया गया? ड्रॉ कर दिया गया कि भैया यही इंडिया का भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन इसका क्या किया गया कि कहा गया कि कोई एक ऐसा प्लेस चूज किया जाए जहां से यह निर्धारित कर दिया जाएगा कि उस प्लेस पर जो टाइम होगा वो पूरा इंडिया क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जो सबसे पहले जो किया गया था टाइम का निर्धारण, जो सबसे पहले किया गया था वो नैनी में किया गया था। कहां किया गया था गाइस? नैनी में किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो हो गया है वो कहां हो गया है गाइस? मिर्जापुर में हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम जो इसके समय का जो निर्धारण किया गया था वो नैनी में किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में कहां पर हो गया है? मिर्जापुर में हो गया है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख कर कर लेंगे, समय निर्धारण जो है यहां लिख लेंगे एक पॉइंट करके बहुत अच्छे से। समय निर्धारण क्या लिखेंगे गाइस? समय निर्धारण लिख लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से आता है गाइस, ठीक है। समय निर्धारण की अगर हम बात करेंगे तो समय निर्धारण, ठीक है, तो समय निर्धारण में दो चीजों को लेकर चलते हैं। एक लेकर चलते हैं पूर्व, एक लेके चलते हैं पूर्व और एक लेके चलते हैं वर्तमान, ठीक है। एक चलते हैं पूर्व को लेकर और एक लेकर चलते हैं वर्तमान को लेकर, ठीक है। तो पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व में सबसे पहले कहां किया गया था? सर्वप्रथम नैनी में किया गया था। कहां किया गया? नैनी में। वर्तमान समय में कहां पर अभी ये लाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है? तो मिर्जापुर में हो चुका है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। तो यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं सर्वप्रथम, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको क्लियर होगा एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से। ये हो जाएगा सर्व प्रथम हो जाएगा, क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से। इसको पहले कॉपी पर ऊपर ड्रॉ करो, करा जल्दी ड्रॉ करो। चलिए तो ये पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहां से क्या निकल कर आती है, दूसरी बातें सबसे पहली बात यहां से ये निकल कर आएगा। अब जीएमटी को लेकर देखा जाएगा कि जीएमटी से जो है ये हमारा इंडिया जो है वो कितने घंटे आगे चलता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितने घंटे आगे चलता है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से कितने घंटे आगे चलता है। यहाँ पर प्लस का मैंने चिन्ह लगा दिया है, तो ये जो आगे चलता है वो कितना? 5.5 आवर्स, यानी मतलब 5.5 घंटे क्या करता है?
आगे चलता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कितने घंटे आगे चलता है? 5.5 घंटे क्या करता है? आगे चलता है। तो ये तो मान लीजिए अब तक हमने आपको बेसिक बेसिक चीजों को बता दिया। अब एक पॉइंट इसको भी समझाऊंगा कि कैसे 5.5 घंटे आगे हो गया, ये भी मैं डिफाइन कर दूंगा। अब एक पॉइंट और बनता है याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बनता है कि देखिए ये हमारी कर्क रेखा जा रही है और ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कर्क रेखा, ठीक है, क्या लिखेंगे? कर्क रेखा व आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, व आईएसटी एक दूसरे को, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ये बात याद रखिए। एक दूसरे को कहां काटते हैं? एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ये नया पॉइंट है, एकदम न्यू है, इसको याद कर लीजिएगा। शायद आप लोगों को पता नहीं था इससे पहले, लेकिन ये क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा इस तरह से क्वेश्चन कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। किस राज्य में काटते हैं गाइस? तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करते हैं? काटते हैं। यह बात आप बहुत ध्यान से क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा दर्शन, जो पूर्वोत्तर भारत का एरिया है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, वो लगातार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर विवाद में क्यों है? अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। गाइस आपको एक बात बता दूं, यहां पर क्या है 68.07 मिनट है और वो वहां पर क्या है 97.25 मिनट है, ठीक। हमने बोला है कितने, ये देशांतर है, कौन सी रेखा भैया? ये हमारी देशांतर रेखा है गाइस, कौन सी रेखा है? देशांतर। और हमने बोला था कि जब इसको आप देखोगे जोड़कर तो 29 दशमलव कुछ आएगा, और फिर इसको मेंटेन करने के लिए कितने देशांतर रेखा हो गए? 30 देशांतर रेखा हो गए। कितने देशांतर रेखा हो गए? 30 देशांतर रेखा, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व तक कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अब देखो अगर हम कहें कि एक देशांतर बराबर कितना होता है, तो एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट होता है। तो यहीं पर कर लें कि 30 देशांतर रेखा बराबर कितना हो जाएगा, यानी 120, यानी निकल कर आ जाएगा 2 आवर्स, कितना? 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यानी 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है, 4 के 12 120, यानी 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक। और हमने आपसे कहा कि सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है, तो भारत में सर्वप्रथम जो सूर्य उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में होता है। सबसे पहले कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ध्यान समझना, अगर मेरी बात ध्यान से समझना, हमेशा जहां पर प्रकाश होगा, याद रखना, जहां पर हमेशा प्रकाश पहले होगा उसका टाइम पहला लिया जाएगा, और जहां पर रात होगा यानी अंधेरा होगा वो टाइम क्या चलता है? पीछे चलता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना कि जहां पर प्रकाश पहले पड़ेगा वहां टाइम आगे होगा, जहां बाद में पड़ेगा प्रकाश वहां टाइम पीछे होगा। तो सोचो अगर 97.25 मिनट पर यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर आपकी सूर्य उदय देखा जाएगा, अगर सूर्य उदय अगर 5 बजे होता है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यहां प्रकाश हो रहा है, तो अगर यहां पर प्रकाश हो रहा है तो यहां 5 बज रहा है और यहां पर अभी अंधेरा है, तो सोचो इस सूर्य के प्रकाश को गुजरात तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तीमंदाज बोलो। और नहीं समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमें व्हाट्सएप कर देना, हम व्हाट्सएप पे समझा मतलब बता देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले लेक्चर में समझाएंगे, लेकिन बता देना, वैसे पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाए। मैंने कहा कि अगर सबसे पहले कहा था कि क्योंकि हमारा भारत पूर्व में आता है, पूर्व में सबसे पहले क्या होता है? उजाला होता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पूर्व पे ही पड़ता है, तो पूर्व पे पड़ने के कारण भारत के सबसे पूर्वी हिस्से प्रकाशित होते हैं। तो अगर ये 5 यहाँ पर अगर 5 बज रहा है, ये 5 बज रहा है, तो यहां पर फिर कितना बजेगा? तो हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रात है, कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होगा 5 बजे,
तब उस समय गुजरात में कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अंधेरा है, क्योंकि इस प्रकाश को यहां तक पहुंचने में यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने में कितना समय लेना पड़ेगा, 2 घंटे का समय लेना पड़ेगा। जब यह प्रकाश यहां पर आएगा, यह प्रकाश यहां आएगा तो 6 बजेगा, और जब ये यहां आएगा तो 7 बजेगा, जब ये यहां जाएगा तो 4 बजेगा, और यहां जाएगा तो 5 बजेगा। भाई ऐसे तो घूमता रहता ना, पृथ्वी घूमती रहती है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो जब यह भूगोल वेताओं ने देखा कि अरे यार ये बताओ, ये तो बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि वहां पर अलग टाइम है और यहां पर अलग टाइम है, अब इस वजह से भारत में दिक्कत होने लगी थी। तो भूगोल वेताओं ने कहा कि क्यों ना अगर इस तरीके से 2 घंटे का जो अंतर आ रहा है, इस 2 घंटे के अंतर को मेंटेन करने के लिए, भरपाई करने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक ऐसी रेखा को लेते हैं जो दोनों को क्या कर देगी, लगभग में डिफाइन कर देगी, तभी इन दोनों 68 और 97 अंश के बीच का एक मध्यमान निकाला गया, और वो मध्यमान को निकाला गया 82.5 अंश को निकाला गया, यानी 82.5 अंश को क्या कर दिया गया, भारत का मानक समय खींच कर माना गया, और कहा गया कि जो इस रेखा के आधार पर टाइम जोन सेट किया जाएगा वही पूरे भारत का क्या होगा, टाइम जोन होगा। ठीक, लेकिन इसकी खींच देने से क्या यह वाली प्रॉब्लम समस्या खत्म हो गई? नहीं नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, खत्म नहीं हुई। अब मेरी बात सुनो, यह लाइन खींच दिया गया और इसी लाइन के आधार पर भारत का पूरा टाइम जोन रन कर रहा है अब तक, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, अभी भी तो सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे ही हो रहा होगा, तो ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर 5 बजे अगर सूर्य उदय हो रहा है तो यहाँ के लोग जल्दी उठेंगे कि नहीं उठेंगे, जल्दी उठेंगे, किसकी अपेक्षा 2 घंटा पहले उठेंगे, हम लोगों की अपेक्षा 2 घंटा वो पहले उठ जाएंगे। पहली बात, अगर वो जल्दी उठेंगे तो वहां के कामकाज या सरकारी कामकाज या दिनचर्या उनका पहले स्टार्ट हो जाएगा, किससे, हमसे 2 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारा ऑफिस 7 बजे बंद होता है तो इनके ऑफिस 5 बजे ही बंद हो जाएगा, बात समझना। तो जो भी काम ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य कर रहे होंगे वो हमसे 2 घंटा पहले कर लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर दिन अगर जल्दी हो रहा है तो रात भी तो यहीं पर जल्दी होगा, तो अगर रात जल्दी होगा तो जल्दी से काम निपटाएंगे लोग, हम लोग 2 घंटा बाद निपटाएंगे, तो जो भी काम होगा वो 2 घंटा पहले करेंगे लोग, पूर्वोत्तर भारत के राज्य के लोग, तो वो काम तो इनका चल ही रहा है, लेकिन इनको कौन सा रूल फॉलो करना है, 82.5 अंश वाला रूल क्या करना है, फॉलो करना है। तो इन लोगों को इस 82.5 अंश को मानने की वजह से इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, इनकी दिनचर्या में, इनकी कामकाज में बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं। तो ये लगातार 3-4 बार से या बार बार न्यायालय से अपील कर रहे हैं कि सर हमारे इंडिया का दो टाइम जोन कर दिया जाए, ताकि पूर्वोत्तर भारत एक अपने अलग टाइम जोन से चले और पूरा भारत एक अलग अपने टाइम जोन से चले। लेकिन बार बार उच्चतम न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है, सर क्या इंडिया का 2 टाइम जोन नहीं हो सकता है? बहुत सारे ऐसे देश हैं सर जिनका 4-4 टाइम जोन है, रूस का 4 टाइम जोन है, ठीक, बहुत सारे ऐसे देश है जिनका 3-3 टाइम जोन है, सर इंडिया का ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? सबसे पहली बात दोस्तों कि भारत का एक ही मानक समय निर्धारित किया गया है, जो अब तक बहुत सुचारू रूप से चलता आ रहा है। दरअसल अगर 82.5 अंश हमारे इस भारत के लिए हो जाए और यहाँ के लिए कुछ और हमारा क्या हो जाए, कुछ और अगर मानक समय मान लिया जाए समय का, तो सबसे पहला दिक्कत आएगा लेकर इस संचार व्यवस्था में। जो भी हम लोग अगर यहाँ हम कुछ भी लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो वहां पर उस समय को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट हो जाएगा। दूसरी बात, परिवहन को लेकर समस्या हो सकती है, परिवहन में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस होगी जिससे दुर्घटना घटित होने की बहुत बड़े चांसेस हो जाएंगे, ठीक। और भी जैसे आयात निर्यात करने के लेकर समस्या को प्रॉब्लम हो जाएगी, दूरसंचार को लेकर हो जाएगा, ऐसे तमाम समस्याओं के कारण उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि हम आपकी इस बात को मान नहीं सकते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यही कभी भी अगर पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत लगातार भारत मानक समय को लेकर क्यों चेंज करने की बात कर रहा, तो यही छोटी सी समस्याएं थी जो एक बार पहल में उठी थी अभी 2019 के दिसंबर या अगस्त में शायद ये मैटर उठा हुआ था, तो उच्चतम न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया कि भाई हम ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भारत का एक ही मानक समय है और उसी एक ही मानक समय के आधार पर हमारा टाइम जोन चलेगा। बोलो यहाँ तक का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्यों था, क्या था, चलो क्लियर हो गया। अब मेरी बात एक ही बार कंप्लीट करा लेते हैं। अब देखो जैसे हमने कहा कि आईएसटी वाला फॉर्म क्या है, तो देख लो ये हमारा, मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको समझा रहा हूँ 5.5 घंटे कैसे आगे है, और हमने यहां पर कहा था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 अंश है,
ये हमने बोल दिया था, और हमने कहा था कि भाई ये हमारा भारत है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, भारत है। और यहाँ से ये वाली लाइन जाती है, ये क्या होती है, 82.5 अंश होती है, ठीक है। और ये जीरो है और 82.5 से आप इसी 82.5 में जब 4 से अगर गुणा कर दोगे तो आपका ये निकल कर जो आएगा उसको घंटा में परिवर्तित करते ना, आपका 5.5 घंटे वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा, यहाँ तक का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। गाइस बोलो यहाँ तक का सेशन पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक में, पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है गाइस। चलो इसको फटाक से कॉपी कर लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, लेट ना करो भाई, जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। तो एकदम बढ़िया से काम करना यार, हर एक पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। अगर कोई दिक्कत आया होगा इस सेशन में तो आप तुरंत हमें फोन कर लेना या फिर हमें व्हाट्सअप करना, फोन नहीं पिक कर पाऊंगा, व्हाट्सअप करके बता देना कि सर यहाँ पर ये चीजें समझ में नहीं आई, उसको अगले लेक्चर में और बेहतर तरीके से समझा देंगे। चलो हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देख लो थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो अब जो अगला जो लेक्चर बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में करीब बहुत बार पूछा गया है, बहुत बेसिक सा आपको पता भी होगा, लेकिन कई बार आपके एग्जाम्स में क्या किया गया है, पूछा गया है, तो इसलिए मुझे वो चीजें क्या करनी होंगी, बतानी पड़ती है, ठीक है। चलिए हम दो चीजों को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो चीजें हम आपको सर नहीं बताए थे छोड़ गया था, दो चीजें हम इंडिया के दो चीजों के बारे में जानेंगे, एक तो जानेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा लंबाई, सबसे पहली बात हो जाएगी स्थलीय सीमा लंबाई को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। स्थलीय सीमा का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं पहले, स्थलीय सीमा का मतलब ये वाला बैकग्राउंड जो है, जो स्थल है ये वाला, जो लैंड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, स्थलीय सीमा का मतलब क्या, स्थलीय सीमा का मतलब ये हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, इससे तो शायद क्वेश्चन बहुत कम बने हुए हैं, मतलब पूरा पूछा जाता है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई होती है गाइज वो 15,200 किलोमीटर है, कितनी है गाइज 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि भारत के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, बात समझ में आ गया। वहीं तटीय लंबाई देख लीजिए कि भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तटीय लंबाई कितनी है। अब तट का मतलब तो यार बहुत समझा चुका हूं, अब इसको ये मत कहना कि सर तट का मतलब क्या होता है, तट का मतलब होता है स्थल का किनारा जो सदैव क्या करता रहे, जो सदैव हमारे जल से संपर्कित रहे, ये होता है मतलब, समझ में आ गया, याद रखिएगा तटीय लंबाई। तो यार तटीय लंबाई मतलब क्या हो जाएगा, तट का मतलब ये तट, ये वाला एरिया जो ब्लू से मैं शैडो दिखा रहा हूँ ये आपका हो जाएगा तटीय लंबाई हो जाएगी, ये पूरा का पूरा जो एरिया हो जाएगा ये तटीय लंबाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा तटीय लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो तटीय लंबाई कितनी हो जाएगी, तट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर होता है, कितना होता है 6100 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी गाइस वो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप पूर्वावलोकन उठाकर देख लो, ये क्वेश्चंस आपके 2-3 बार ये क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब ये हमको 6100 किलोमीटर दिया गया है गाइस, तो इस 6100 किलोमीटर ये किसका है, तो ये मुख्य भूमि का है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये किसका है 6100 किलोमीटर, तो ये 6100 किलोमीटर जो है वो मुख्य भूमि की, भारत के तटीय सीमा की लंबाई है, कितना 6100 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दो चीजें और हैं, जैसे यहां पर देख लिया जाए, यहां पर इस तरीके से देख लिया जाए तो हमारा क्या आता है, लक्षद्वीप आता है, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, और ये क्या आता है, अंडमान एंड निकोबार आता है। भाई ये भी तो दो भारत के हिस्से हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या इनका अपना तट होगा कि नहीं होगा, भाई इनका भी तट होगा, द्वीप है तो क्या होगा, इनका स्थल किनारा नहीं होगा, होगा। तो यहां पर एक चीज जुड़ जाएगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, यहां पर हो जाएगा तट, हो जाएगा तट प्लस द्वीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तट प्लस द्वीप हो जाएगा। अब अगर तट के साथ साथ इसके साथ साथ अगर द्वीप की भी हम लंबाई जोड़ दें तो फिर कुल कितना हो जाएगा, तो कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7516.7 किलोमीटर
मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7516.6 किलोमीटर जो हो जाएगा ये भारत के तटीय लंबाई की, और ये क्या हो जाएगी, कुल हो जाएगा, कुल तटीय लंबाई है, कुल तटीय लंबाई है। ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम्स में 6100 किलोमीटर भी दिया गया है और 7516.6 किलोमीटर दिया गया है और बस इतना पूछा जा रहा है कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो फिर आप ये टिक करोगे। पूछा जाए भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो ये टिक करोगे, और पूछा जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब ये जब कुल शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब इस वाले को क्या करोगे, टिक करोगे, अन्यथा ये टिक करोगे। डाउट क्लियर यहाँ पर? ये दो पॉइंट्स थे जिसको मुझे आपको बताना था, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हमें ये पद ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर कि सर आपने तटीय राज्य बता दिया, बाकी सारी चीजों को आपने डिफाइन कर दिया, सर भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय क्षेत्रों से लगे हुए हैं या तटीय राज्य हैं, सर ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे जलीय यानी जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। मान लीजिए दे देता ना आपके एग्जाम में भाई तट का हम नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई सब राज्य होंगे ना जो तटीय सीमा को निर्धारित करते होंगे। तो अब अगला हेडिंग हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे तटीय राज्य, जो हम इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक रेफरेंस के रूप में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हो जाएगा तटीय राज्य वह प्रदेश, तटीय राज्य वह प्रदेश, दो चीजें हम लोग जानेंगे तटीय राज्य वह प्रदेश के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे तटीय राज्य वह प्रदेश के बारे में जानेंगे कि कितने तटीय राज्य है और कितने प्रदेश है, याद रखिएगा। अगर गाइस राज्य बोले, कितने राज्य, ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय राज्य कहलाते हैं, तो गाइस 9 तटीय राज्य कहलाते हैं। और अगर पूछा जाए कितने प्रदेश होते हैं, तो पहले 5 प्रदेश हुआ करते थे, सॉरी ठीक है 1 2 3 4 5, हाँ पहले 5 प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब 4 केंद्र शासित प्रदेश है, यहां लिख लेंगे 4, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 4 13, ठीक है 9 4 13 ऐसे भारत के ऐसे तटीय क्षेत्र हैं जो जलीय सीमाओं को क्या करते हैं, स्पर्श करने का काम करते हैं। तो 9 ये हो गए गाइज और 4 ये हो गए गाइज, डाउट एकदम क्लियर हो गया, और टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। बात समझ में आ गया, एकदम क्लियरली समझ में आ गया, दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। अभी कल हम इसको और बढ़िया से बताएंगे। अब इस 9 में दो चीजों को हम लोग को लेना होगा, 9 में क्या लेना होगा कि अगर 9 तटीय राज्य है, तो 9 तटीय राज्य कौन कौन से, मैं आपको नाम बता देता हूँ, वैसे बताया था कल परसों, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद कैच किया गया महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, 1 2 3 4 5, ठीक है। केरल के बाद क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, थोड़ा आंध्र प्रदेश और नीचे कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर क्या हो जाएगा उड़ीसा, और फिर क्या हो जाएगा बंगाल हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से 9 तटीय राज्य हो गए, ठीक है 9 तटीय राज्य हो गए। इन 9 तटीय राज्यों में अगर गुजरात को ले लिया जाए, गोवा में ले लिया जाए, तो गुजरात की क्या हो जाएगा, ये सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी, सबसे लंबी तटरेखा, ये सबसे लंबी तटरेखा पूछा जाए तो ये हो जाएगा सबसे लंबी तटरेखा। गोवा का पूछा जाएगा तो गोवा क्या हो जाएगा गाइस, सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये दोनों चीजों को याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर 1.9 में लिख लेंगे, हम लोग गुजरात लिख लेंगे क्योंकि जरूरी है ये लिखना, गुजरात, और यहाँ क्या लिख लेंगे गाइस, हम लोग गोवा लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखना होगा भैया, यहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी, सबसे लंबी तटरेखा लिख लीजिएगा, मतलब सबसे लंबी तटरेखा, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है, सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी गोवा, और यहाँ लिख लीजिएगा सबसे छोटी तटरेखा हो जाएगी, सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा हो जाएगा। तो ये तो मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि कौन कौन से राज्य हैं या क्या क्या चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, एक तो सिंपल सी बातें हो गई यहाँ पर जो हमने दिखा दिया, बात समझ में आ गया है गाइस यहाँ पे। अब कभी कभी यहाँ से क्रम भी पूछ लेता है कि किस तरह के क्रम बनते हैं, क्रम से भी प्रश्न का जो क्रम वाले प्रश्न आ जाते हैं, क्रम बताइए कि लंबाई अनुसार इसका क्रम बनाए, तो उसके लिए मेरे पास एक कोड है, वो कोड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। फिर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी न किसी सागरीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां से एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है,
तो कल जो ये टॉपिक होगा, कल सामान्य परिचय का कल लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपका सामान्य परिचय का पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कल पूरा का पूरा सेशन कराकर खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, रात हो रही, तो क्योंकि रात को शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो ये। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना, बाकी कल जो है इसके आगे कंप्लीट करा दूंगा, कल ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर में कोई दिक्कत होगी आप हमें व्हाट्सअप करके बता देना, वैसे कोई दिक्कत उम्मीद होगी या नहीं होगी, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर ढंग से समझा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद आप सभी को।